नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको इंटरनेट, एंड्रॉइड, कंप्यूटर के प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान और फ्री है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन होने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबाना है। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से आप घर बैठे ही मुफ्त में आपको इंटरनेट, एंड्रॉइड, कंप्यूटर के प्रोग्राम, टैली, ईआरपी 9, फोटोशॉप, कोरल ड्रो, पेज मेकर, एमएस ऑफिस 2010 की सारी जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी ही सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया हो तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए हम आगे सीखते हैं। टेबल कमांड्स पर क्लिक करके हम यहाँ इसका नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमें एक पेंसिल यहाँ पर दिखाई देगी। इससे हम एक टेबल को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग जितनी बड़ी टेबल बनाना चाहें, उसमें हमें कितने कॉलम्स और कितनी रो ऐड करनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर किस तरह की इसकी विड्थ चाहिए, हमें टेबल पे कोई कलर अप्लाई करना है, तो हम यहाँ से ऑप्शन लेंगे। जैसे हमें किस तरह की आउटलाइन इसकी लेनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी विड्थ कितनी रखनी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और कलर्स, किस कलर की हमें टेबल बनानी है वो कलर हम चूज करके और एक टेबल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें टेबल कलर्ड यहाँ पर दिखाई देगी। हम बनी हुई टेबल पर भी यहाँ पर ये ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। टेबल को सिलेक्ट करके बॉर्डर्स पे जाएंगे और यहाँ लेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाकर हम यहाँ से किस तरह के बॉर्डर्स लेना चाहेंगे वो अप्लाई कर देंगे टेबल पर। कलर ऑटोमेटिक्स में जाके हम कलर ले लेंगे, उसकी विड्थ यहाँ से बढ़ा देंगे। हमें यहाँ पर तीन ऑप्शंस प्रीव्यू में दिखाई दे रहे हैं, तो हमें अगर किस तरह की बॉर्डर यहाँ पर लेनी है, अप में, सेंटर या टॉप, उस चूज करके हम यहाँ से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हमें शेडो में लेना है, बॉक्स में लेना है, ग्रिड में लेना है, उन ऑप्शंस को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम वापस बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग्स, यहाँ लेंगे हम शेडिंग्स। शेडिंग पे जाकर हम कलर चेंज कर सकते हैं वापस। ओके कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पर टेबल के अंदर कलर फिल हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर टेबल को बना सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हम लेंगे इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर्स। पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ ओपन होगा। हमारी पिक्चर यहाँ पर किस लोकेशन में रखी हुई है वो हम यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे पिक्चर्स माय पिक्चर्स के अंदर है तो यहाँ पर हम पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। सैंपल पिक्चर्स में डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमें कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई देगी। आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स जहाँ पर भी आपने डाली हुई है तो वहाँ से आप ओपन करेंगे और किसी भी एक पिक्चर को यहाँ पर सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जैसे ये पिक्चर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, इसको हम स्मॉल करना चाहते हैं तो इस कॉर्नर से हम इसको छोटा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस पिक्चर को यहाँ से वहाँ मूव करें, इसको मूव करने के लिए हमें पिक्चर्स के रैप टेक्स्ट पर जाना होगा प्रॉपर्टी के अंदर और यहाँ से लेंगे टाइट। टाइट पे क्लिक करते ही हमारी पिक्चर्स यहाँ से वहाँ हम मूव कर सकते हैं।
उसके बाद हम लेंगे करेक्शंस, इसके अंदर हम शार्पन एंड सॉफ्टन का इफेक्ट दे सकते हैं, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हमें जितनी भी कॉन्ट्रास्ट यहाँ लेनी है, जितनी ब्राइटनेस हमें रखनी है वो हम सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे कलर, कलर पर हम जिस तरह कलर पिक्चर पे अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर हम यहाँ से चूज करेंगे। आर्टिस्ट इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करके हम पिक्चर्स को एक आर्टिस्ट इफेक्ट दे सकते हैं। चेंज पिक्चर्स, इसकी जगह अगर हमें कोई और पिक्चर्स लेनी है तो हम पिक्चर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस पिक्चर को नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर देंगे रीसेट पिक्चर, चेंज पिक्चर्स। इस तरह से हम पिक्चर को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे पिक्चर स्टाइल, इस पर क्लिक करके हम पिक्चर्स की किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे पिक्चर्स बॉर्डर्स, पिक्चर्स की बॉर्डर्स का कलर हमें जो भी लेना है वो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। इसके बाद बॉर्डर कितनी हमें विड्थ में रखनी है, हम यहाँ से पिक्चर्स की बॉर्डर की विड्थ को बढ़ाएंगे। डैश में अगर विड्थ लेनी है तो हम पिक्चर के डैश को अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट लेंगे पिक्चर इफेक्ट्स, पिक्चर इफेक्ट्स में जाकर हम किसी भी इफेक्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। प्रीसेट के बाद हम लेंगे इसमें शेडो इफेक्ट, हम पिक्चर्स पर शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी एक शेडो को यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में जाकर हम पिक्चर्स की रिफ्लेक्शन को यहाँ से ले सकते हैं। ग्लो इफेक्ट, हम पिक्चर्स पे किसी भी तरह का ग्लो देना चाहते हैं तो हम यहाँ से ग्लो को लेंगे। बेवल, बेवल इफेक्ट्स में जाकर भी हम किसी भी एक इफेक्ट को यहाँ से लेंगे। थ्री रोटेशन, इसी तरह से हम थ्री डी इफेक्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम एक पिक्चर्स और यहाँ पर लेंगे, इस पर हम यहाँ सॉफ्ट एजेज को अप्लाई करके देखेंगे। आप जैसे जैसे इसकी पॉइंट्स पे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आप अपनी पिक्चर्स को सॉफ्ट एज में चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पर तीन पिक्चर्स को ओपन करेंगे। हमने फर्स्ट पिक्चर्स ली, इसको ओपन करने के बाद हम टाइट पे क्लिक करेंगे। अगर हम टाइट पे क्लिक नहीं करेंगे तो हम सेकंड पिक्चर्स को यहाँ ले नहीं सकते। अगर हम सेकंड पिक्चर लेंगे तो फर्स्ट पिक्चर हमारी यहाँ से हाइड हो जाएगी, इसीलिए हम टाइट पे क्लिक कर देंगे। टाइट पे क्लिक करने के बाद हम सेकंड पिक्चर्स फिर लेंगे यहाँ पर। इस पर भी हम टाइट पे क्लिक कर देंगे। इस तीसरी पिक्चर को भी हम छोटा करेंगे और टाइट कमांड्स पे क्लिक करके इसको, इस तरह से हम तीन पिक्चर्स यहाँ लेंगे। इन तीनों पिक्चर्स को लेकर हम लेंगे, देखेंगे इस पर ब्रिंग टू फ्रंट करना, सेंड टू बैक करना। जैसे हम सबसे लास्ट वाली पिक्चर्स को बिल्कुल फ्रंट में लेना चाहते हैं तो हम यहाँ करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। इसके बाद हमें इसको सबसे लास्ट में लेना है तो हम यहाँ पर सेंड टू बैक
ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर सबसे लास्ट में यहाँ पर चली जाएगी। अब इस पिक्चर्स को जैसे हमको इन दोनों पिक्चर्स के बीच में लेना है, फर्स्ट वाली, तो यहाँ पर हम लेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। फर्स्ट फिल्म को लास्ट दोनों पिक्चर्स के बीच में लेना है तो हम यहाँ लेंगे सेंड बैकवर्ड। तो इस तरह से हम किसी भी पिक्चर्स या किसी भी शेप्स को एक दूसरे के आगे पीछे ले सकते हैं। इन पिक्चर्स को हमें जैसे ग्रुप करना है तो तीनों पिक्चर्स को हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। शिफ्ट प्रेस करके हम एक एक पिक्चर्स यहाँ से एक एक पिक्चर्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ग्रुप कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो इन तीनों पिक्चर्स का यहाँ पर एक ग्रुप बन जाएगा। और इसको आप नॉर्मल करना चाहेंगे अनग्रुप करके तो यहाँ पर ग्रुप्स पे जाके अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर्स वापस यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगी। अब पिक्चर्स के अलाइनमेंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम तीन पिक्चर्स है इनकी तीनों की अलाइनमेंट्स यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं तो तीनों पिक्चर्स को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और अलाइन पे जाएंगे। अलाइन पर हम देखेंगे अलाइन लेफ्ट तो लेफ्ट अलाइन इनका बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका राइट अलाइन सेट करना चाहते हैं तो अलाइन राइट पे क्लिक करेंगे और राइट अलाइन यहाँ पर सेट कर देंगे। अलाइन सेंटर, इसी तरह से हम पिक्चर्स का सेंटर अलाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, इस तरह से हम पिक्चर्स के सारे अलाइनमेंट्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें इन पिक्चर्स को रोटेट करना है तो हम रोटेट कमांड पर जाकर डिग्री वाइज इनको रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर हम लेंगे पोजीशन। जैसे हम किसी भी एक पिक्चर्स को यहाँ पर रखेंगे उसके पहले हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। हम इस पर यहाँ पर एक पिक्चर्स लेंगे इंसर्ट कमांड्स में। इस पिक्चर्स पर हम टाइट कमांड्स पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पोजीशन देंगे, जैसे टॉप पोजीशन पे इसको लेना चाहते हैं तो हम टॉप पर क्लिक कर देंगे। टॉप के बाद जैसे हमें लेफ्ट पोजीशन देनी है, डाउन देनी है, बॉटम देनी है, तो जैसी पोजीशन आपको टेक्स्ट के अंदर इसकी चाहिए वैसी पोजीशन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट रैप में हम लेंगे स्क्वायर पे क्लिक करके देखेंगे, थ्रो कमांड्स पे क्लिक करके देखेंगे टॉप एंड बॉटम। हम अगर इस पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे लेना चाहेंगे तो यहाँ लेंगे बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। हम टेक्स्ट से वापस पिक्चर्स को ऊपर ले लेंगे। अगर हम पिक्चर्स की विड्थ हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से लेंगे साइज। हम पिक्चर्स को क्रॉप करके जितना लेना चाहते हैं हम क्रॉप कमांड पे क्लिक करके पिक्चर्स को उतना एडजस्ट कर देंगे। क्रॉप पे क्लिक करेंगे,
और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी पिक्चर्स उतनी ही यहाँ पर बन जाएगी जितनी हमने क्रॉप की थी। नेक्स्ट हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।